हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 10 कुछ ऐसे शब्द जिनको हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज तो करते हैं लेकिन हम लोगों को उनका सही उच्चारण नहीं आता है। तो चलिए सीखते हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इस लिस्ट में पहला वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। जी नहीं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसको लिखेंगे हम प्र नन सी सी ए शन, प्रोनंसिएशन। और इसका मतलब होता है उच्चारण। इसलिए अब से इसको आप प्रोनाउंस करेंगे प्रोनंसिएशन, ना कि प्रोनाउंसिएशन। इस लिस्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा ईयर का सेकेंड मंथ है, इसको प्रोनाउंस करेंगे फेब्रुअरी। फेब्रुअरी इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इसको प्रोनाउंस करेंगे फेब रू अरी। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फेब्रू अरी। तो आज के बाद से आप इसको फेब्रुअरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेब्रुअरी। फेब्रुअरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। गाइस, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है और ट्यूसडे के बाद, हाँ एकदम राइट, वेडनेसडे आता है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन राइट नहीं है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। वेंसडे इस वर्ड में जो डी है ये साइलेंट होता है, तो डी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बोलेंगे वेंसडे। ओके, अब नेक्स्ट शो वर्ड है। गाइस, आप लोग मुझे ये बात बताइए कि अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? वीडियो। इसे वीडियो नहीं बोलते, इसे बोलते हैं वीडियो। इसे बोलते हैं वीडियो, या फिर ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको वी में छोटी की मात्रा, डी में छोटी की मात्रा और ओ, वीडियो। जनरली हम इसे प्रोनाउंस करते हैं वीडियो, बहुत लंबा, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वीडियो। वीडियो, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है गाइस, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मैं चाहती हूं कि जो नीचे सेक्शन है उसमें आप करें, क्या करेंगे आप? कमेंट। जी नहीं, इसे कमेंट नहीं, कमेंट बोलते हैं। कमेंट, कमेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो है, हम क्या पीते हैं, सूप पीते हैं, जो उसमें होता है एक सूप, हॉट एंड सार सूप। सार नहीं, उसे हम बोलते हैं सावर, जैसे पावर वैसे सावर। ओके, इसे हम बोलेंगे सावर, सावर, हॉट एंड सावर सूप, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड। सूप तो हम पीते हैं लेकिन किस चीज में पीते हैं? बाउल में। जी नहीं, इसे हम बोलेंगे बोल। क्या बोलेंगे? वो वाली बॉल नहीं, खेलने वाली, इसे बोलेंगे बोल, बोल। बी ओ एल, इसे बोलेंगे बोल। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सबसे पहली जो मील होती है हमारे दिन की उसे हम बोलते हैं नाश्ता, और नाश्ते को इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलते हैं। आप आज तक गलत प्रोनाउंसिएशन इसका करते आए हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। ब्रेक फर्स्ट, ब्रेकफास्ट। इसलिए नाश्ते को आज के बाद ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। आप लोगों को पता है आज मैंने ब्रेकफास्ट में सुबह पहले क्या खाया? पिज्जा। जी नहीं, आज मैंने सुबह पहले ब्रेकफास्ट में खाया पिज्जा। इसे पिज्जा नहीं, पिज्जा प्रोनाउंस करते हैं। पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। ओके, और अब लास्ट वर्ड है सीरीज का, वो है, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि अगर हम 5 बादाम रोज खाएं तो हमारी मेमोरी शार्प होती है। बादाम को तो बादाम बोलते हैं लेकिन बादाम को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इज इट आलमंड? जी नहीं, इसको आलमंड नहीं बोलते और ना ही इसको एलमंड बोलते, इसे बोलते हैं आमंड। आमंड, आ मन। एल जो है ये इसमें
साइलेंट होता है. तो ये कुछ प्रोनंसिएशन थे कुछ वर्ड्स के जो डेली कॉन्वर्सेशन में हम लोगों के काम आते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे जो वर्ड्स का प्रोनंसिएशन है समझ आया हो. और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और हाँ, नीचे जो प्रेस बेल का जो आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.